अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं मोहम्मद ज़ुबैर इकबाल एआर विज़न के इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको इस लायक बनाए कि हम लोग इस महीने की बरकत को समझ सके, इस महीने की मुकद्दस को समझ सके और रोज़ों की पाबंदी कर सके, तरावी की पाबंदी कर सके। दोस्तों, अपने लिए दुआ करें, अपने औलाद के लिए दुआ करें और अपने वालदैन के लिए मग़फ़रत की दुआ करें। ये रमज़ान का पहला अशरा हम लोगों से आहिस्ते आहिस्ते गुज़र रहा है। अल्लाह ताला हम सबों को इस रमज़ान माह मुबारक की मुकद्दस रातों में जागने की तौफीक अता फरमाए और पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ अपनी दुकान की तरफ, अपने उस पुराने टॉपिक की तरफ। कल हमारे यहाँ जो है एक पेशेंट आया था जिसकी आँखों में रोशनी का थोड़ा सा मसला था, दूर का उसको नहीं दिख रहा था। वो एक छोटा सा बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है, 10 साल इसकी उम्र होगी और वो 13 तारीख को हमारे यहाँ आया था चेक करवाने के लिए अपना आँख। ये देखिए उसका प्रिस्क्रिप्शन, और इस फ्रेम में हम लोगों ने उसका चश्मा रेडी कर दिया। ये उसका पावर है। ये देखिए, ये आज इंशाल्लाह उसको डिलीवरी कर दिया जाएगा। बच्चे का पावर बढ़ गया है, पहले बच्चे का पावर कम था, अभी पावर बढ़ गया, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं। तो पेरेंट्स, मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि बच्चों को मोबाइल ज़्यादा देर के लिए ना दें, मैक्सिमम से मैक्सिमम आधा घंटा 45 मिनट, और किसी न किसी बहाने से मोबाइल बच्चों से ले लिया करें, क्योंकि मोबाइल से निकलने वाले जो ब्लू रे होते हैं वो आँखों को काफ़ी इफ़ेक्टेड करते हैं, खासकर बच्चों की आँखों को। जिनकी उम्र 10 साल से कम है, जिनकी उम्र 15 साल से कम है, इन लोगों को काफ़ी इफ़ेक्टेड करती है। इसलिए बराए मेहरबानी मैं सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। ज़रूरतन आप साथ में रहें, बच्चे बोलेगा ऑनलाइन क्लास है, ठीक है आप बैठे रहें साथ में, ठीक है बेटा क्लास करो, उसके बाद आप मोबाइल ले लें। ज़्यादा देर के लिए मोबाइल उनको सर्फिंग करने ना दें, नेट सर्फिंग करने ना दें, आँखों में काफ़ी दुश्वारियाँ होती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जज़ाकअल्लाह खैर, दुआ में याद रखें।